आज हम बनाएंगे इंस्टेंट छोले पूरी। तो जिसके लिए हम लेंगे 2 प्याज, 2 टमाटर और थोड़ा सा हरा धनिया, और इसे मिक्सी में बिल्कुल बारीक इसका पेस्ट बना लेंगे। और उसके बाद लेंगे कढ़ाई और उसमें डालेंगे, उसे गर्म करेंगे और उसमें डालेंगे ऑयल। तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून मैंने ऑयल डाला है इसके अंदर, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। और उसके बाद इसमें डाल देंगे 1 बड़ी इलायची। 1 बड़ी इलायची के बाद इसमें डालेंगे 2 तेज़पत्ता, और उसके बाद डाल देंगे इसमें 2 से 3 काली मिर्च और 2 से 3 लौंग है, ये भी इसमें डाल देंगे। इसे अच्छा से इसमें चटका लेंगे। और उसके बाद इसमें डाल देंगे 1 छोटा चम्मच के करीब ज़ीरा, और ये हमने 1 छोटा चम्मच ज़ीरा डाल दिया इसके अंदर। और इसे थोड़ा सा भून लेंगे इस तेल में। और इसके बाद हम इसमें डाल देंगे 1 चॉप करी हुई प्याज, ये हमने 1 बड़ी प्याज ली थी, इसे बारीक बारीक चॉप कर लिया था, और इसे डाल देंगे। और इसे अच्छे से फ्राई करेंगे, और इसे गोल्डन फ्राई करेंगे, इसे ब्राउन बिल्कुल भी नहीं करेंगे, बस इसी तरीके से हाई और मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। और उसके बाद डाल देंगे 1 चम्मच भर के लहसुन अदरक का पेस्ट, वो भी इसे इसमें ऐड करेंगे। और उसके बाद इसमें डाल देंगे 2 चम्मच भर के छोले मसाला पाउडर, ये हमने इसमें ये भी डाल दिया, और इसे भी अच्छी तरीके से भून लेंगे। खूब अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसे, और मीडियम आंच कर लेंगे गैस की। और ये अच्छे से भुन चुका है, तो अब हम इसमें डाल देंगे जो हमने टमाटर प्याज और हरा धनिया का पेस्ट बनाया था ना शुरू में, वो ऐड कर देंगे इसके अंदर सारा। और इसको भी अच्छी तरीके से भून लेंगे, इसमें मिक्स कर देंगे और पकाएंगे इसे भी। और इसे तब तक पकाएंगे तब तक इसमें से ऑयल थोड़ा सा ऊपर नहीं आ जाता और इसका कच्चापन नहीं निकल जाता सबका। और फिर हम इसके बाद डालेंगे इसके अंदर 1 चम्मच भर के धनिया पाउडर, और इसे मिक्स कर देंगे। और उसके बाद डाल देंगे इसके अंदर नमक, नमक ये हमने 1/2 चम्मच डाला है। और उसके बाद डाल देंगे 1/2 छोटा चम्मच के करीब हल्दी पाउडर और 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। नमक और मिर्च आपके पूरे टेस्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमने छोले उबालने में भी नमक डाला था तो इसलिए हमने यहाँ पे 1/2 चम्मच यूज़ करा है, तो आप देख के नमक डालें, कभी ज़्यादा ना हो जाए। और उसके बाद बस इसी तरीके से इसको भूनते रहेंगे मीडियम आँच पर, और इसमें से थोड़ा थोड़ा सा ऑयल आना शुरू हो गया है साइडों से ना, और ये पकना भी शुरू हो चुका है। और बस हम इसे इसी तरीके से भून लेंगे। और ये थोड़ा सा हमने 1/2 छोटा चम्मच के करीब गरम मसाला पाउडर डाल दिया है इसके अंदर, ज़्यादा मसाले हमने इसमें कुछ ज़्यादा डाले नहीं हैं। और बस हम इसी तरीके से इसको फ्राई करते रहेंगे करते रहेंगे। और तब तक हम देख लेते हैं, जो हमने छोले उबाले थे वो अच्छे से उबल चुके हैं, हमने इन्हें पहले से ही उबाल के रख लिए थे, और हम इनका कोई भी कलर चेंज नहीं करेंगे, हम इसे इसी कलर में पकाएंगे कि मसाला अच्छे से ब्राउन ही है वैसे भी, तो हमें इसे छोलों को और ज़्यादा ब्राउन नहीं करना था, तो इसलिए मैंने इसमें कुछ भी ऐड नहीं करा। जैसे कि डाल देते ना पत्ती थोड़ी सी पोटली में मलमल के कपड़े में डाल देते तो ये थोड़ा सा ब्राउन हो जाता है अच्छे से, तो मैंने ऐसा कुछ नहीं डाला है, आप चाहें तो डाल सकते हैं। और बस मैंने इनको इसी तरीके से पानी के साथ इनको सारे छोलों को मसाले में मिक्स कर दिया है, और बस इसे अच्छे तरीके से मिक्स करते रहेंगे, चलाते रहेंगे, थोड़ा सा भून लेंगे, और इसमें से थोड़ा सा ऑयल ऊपर आ जाना चाहिए, थोड़ा सा पक जाना चाहिए, और इसी तरह से इसे बस चलाएंगे। और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको अच्छे से चलाने के बाद इसको ढक देंगे और कम से कम 15 मिनट तक इसे हल्की मीडियम आंच पे पकने देंगे। और जब तक हमारे छोले पक रहे हैं तो हम जल्दी से फटाफट से हम पूरियां बना लेंगे। हमने फटाफट से ये हमने पूरियां बना ली, हमारी 1 बनके तैयार हो चुकी है, और इसी तरीके से हम बाकी सब भी बना लेंगे। पूरियां तो सबको ही आती है बनानी, तो वो क्या दिखाती बनाकर, तो इसलिए बस ये हमने फटाफट से पूरियां बना ली हैं। और उसके बाद हमें 15 मिनट भी हो चुके हैं, और 15 मिनट के बाद हम ये ढक्कन हटाएंगे इसका और देखेंगे, ये अच्छी तरीके से छोले बन चुके हैं। और हमें बस इन्हें इतना ही रखना है, अगर आपको थोड़ा बहुत जैसे पतले चाहिए या ज़ोर थिक चाहिए तो आप इसे थोड़ा सा और पका सकते हैं, बिना कवर करे थोड़ा सा इसे चला सकते हैं। और इसमें से अच्छे से ऑयल ऊपर आ चुका है, और अब हम इसे कर लेंगे सर्व। और ये हमारे इंस्टेंट छोले बन के हो चुके हैं तैयार, और ये बहुत ही टेस्टी बने, और ये बहुत ही ज़्यादा पतले भी नहीं है, बहुत ही ज़्यादा थिक भी नहीं है, एकदम परफेक्ट बन के तैयार हुए, और इसमें ज़्यादा समय भी नहीं लगा बन के तैयार होने में। तो बस हम क्या करेंगे, इसके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे और इसे कर लेंगे सर्व पूरियों के साथ। और अगर ये आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।